गुरदासपुर के गांव जापू धारीवाल के सरपंच को रास्ते में रोककर कुछ लोगों द्वारा लोहे की रोड व तेजधार हथियारों से हमला करने का मामला सामने आया है। सिविल हॉस्पिटल में उपचार करवा रहे सरपंच दर्शन कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि उनके गांव की एक महिला नकली दस्तावेजों के आधार पर नौकरी कर रही है, जिसकी शिकायत उन्होंने प्रशासन को दी। उन्होंने बताया कि गांव के कुछ लोगों के माध्यम से वह औरत उन्हें जान से मारने की धमकी दे रही थी, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस में भी दर्ज करवाई थी। उन्हें बताया कि वह किसी काम को लेकर घर से बाहर गए हुए थे और जब वह वापस घर आ रहे थे तो उक्त महिला ने अपने बेटों वह अन्य लोगों के साथ उन पर लोहे की रॉड, बेसबॉल वह अन्य तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। वहीं उन्होंने पुलिस से दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं इस मामले को लेकर थाना प्रभारी अमनदीप सिंह ने बताया कि सरपंच दर्शन कुमार की उन्हें शिकायत आई है। उन्होंने बताया कि सरपंच की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मैं दर्शन कुमार सरपंच जापू धारीवाल का मौजूदा की गल हुई है। ये शिंदो नाँ की जनानी है, यह साढ़े स्कूल आंगनवाड़ी हैल्पर ही, यह डुप्लीकेट कागजों के उत्ते नौकरी कर रही ही, जिदी मैं आर टी पाई तो इन्हें वह मैं बदला लैन वास्ते मैं पहला भी धमकिया दी रही ही, तो मैं उन्होंने इनगोर करता रहा, फिर इन्हें मैं धमकिया दी। कल मैं यदि रिपोर्ट भी दर्ज कराई सदर थाने धारीवाल च, तो अज मैं इन्हें अपने दे तीन लड़के जीवन हीरो ते मनु ते एक आप ही शिंदु, इन्होंने मैं खिलार के त्रीजा नगर लागे तो सरीये तो बेसबॉल नाल मेरे ते हमला किया। इन्हों को रिवालवर भी मौजूद सी जिदी नोक ते इन्होंने मेरे ते अटैक किया। मैं इंसाफ चाहना प्रशासन को, तुहानू पता ही कि अजक कि गैंगस्टर वधे दे आ, ये अगे भी इन्हों का ना जिहड़ा आ 420 ना इन्हां दे मुंडियां दा, तो ये कहिंदे सानू जेल की कोई प्रॉब नहीं पर अं तैनू एक बार टिकाने ला देना। जी साढ़े को इंटीमेशन आई सी उत्थे कोई झगड़ा होया मौजूदा सरपंच है जापू धारीवाल ने, तो उन्होंने झगड़ा होया तो सट लगी है जिथे उत्थे मौका वेख लिया, तो उन्होंने हॉस्पिटल भेजता सी, तो उस तो बाद एम एल आर ते आउणी हले जिहड़े हिसाब नाल एम एल आर सानू आऊगी उस हिसाब नाल अगली कार्रवाई की।